बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं तो और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का नाम? आमना। मोहम्मद आमिर। आपका नाम? नेम बताओ। नेम बताओ। नहीं बोलता। नूर। ओके जी, इन दोनों का क्या नाम? ये नूर, ये शहर, अफाफ। चले जी, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, हाउस वाइफ। ओके, मुझे बताएं आप कि वो कौन सा जानदार है जिसमें जो मेल है ना वो बच्चे पैदा करता है? कोई फिश है? नहीं। मेल है? कॉमन है या रेयर है? कॉमन है, पर हर जगह नहीं मिलेगा, है हर मुल्क में ही है, एक आध होएगा। कैंगरू? तो ज्यादा है ना? हाँ। कम है। अच्छा, एक ही है। मतलब रेयर नहीं है मगर फिर भी नजर नहीं इतना आता ना। रेयर नहीं है इतना, कोई शक्ल सूरत उसकी बड़ी अजीब होती है। कोई सी टाइप है? कैसे? समुद्री घोड़ा। क्लैपिंग करें इनके लिए। वेरी टैलेंटेड, अमेजिंग। क्या सुनाए? मैं आपको कोई ब्यूटी टिप्स दे देती हूँ। आजकल सर्दियों का मौसम है और जिल्द जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो इसके लिए आप हनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप कोई क्रीम वगैरह भी यूज़ करना चाहते हैं तो लेमन, ग्लिसरीन और हनी का जो मिक्सचर है वो हम वज़न लेके तो बना लें और रात को सोने से पहले फेस पे, हाथों पे और फुट पे लगा के तो सो जाएं और सुबह आप उसको किसी अच्छे फेस वॉश से तो उसे धो लें, तो आपका जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा कुछ दिनों में नीट और फेयर हो जाएगी। और क्या है? किसका? ये कहती थी, ये पता नहीं किसको आता। पोइम सुनानी है? पोइम सुनाओ। एबीसी सुना दो। एबीसी सुना दो। लेडी फिंगर सुनाओ। लेडी फिंगर। एबीसी सुना दो। चले, कोई बात नहीं। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गया, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल सही जवाब दे दिया, समंदरी घोड़ा ही है वो जो बच्चे देता है आदमी। गुड। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? जी, मेरा नाम मिसेस गोहर। आपका नाम? स्कूल जाती है? नहीं भी। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ। चले, मुझे बताएं वो कौन सा जानदार है जिसके 3 दिल होते हैं? 3 दिल होते हैं? क्या सुनाएंगे? मैं एक रेसिपी शेयर करूँगी। ये वज़न कम करने की रेसिपी है कि घरेलू चीज़ें हैं, घरेलू टोटका है। इन 4 चीज़ें, पानी जो पीना है हमने सारा दिन, उसके एक मग, जग बड़ा ले लें या जितना पीना है पूरा दिन, उस पानी में चंद पत्ते पुदीने के, एक अदरक का पीस, 1 इंच का, आधा लेमन और ये चीज़ें डाल के सारा दिन रख लें। खीरे के कुछ पीस, ये 4 चीज़ें, और सारा दिन जब प्यास लगे तो वही पानी पिएं, उससे इंशाल्लाह काफ़ी वज़न कम होगा। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए या जी, बड़ा मज़ा आया, हमने इनसे बात की। वालेकुम। मुझे ताबिश। कौन सी क्लास? 5 राउंड। क्या करते हैं? हाउस वाइफ। कितने बच्चे आप? 3 बेटे हैं। माशा। बेटी नहीं है? नहीं। चले, ओके। सबसे लाडला कौन है? ये छोटा ही है। लाडले हो? खुश होते हो? अच्छा, पढ़ाई में कैसे हो? अच्छा हो, बस अच्छे हैं। और क्या टैलेंट पाया जाता है आप में? कोई क्रिकेट श्रिकेट खेलते हो? क्या करते हो? फुटबॉल खेलते हो? अच्छा, वेरी नाइस। चलो, सवाल करती हूँ। वो कौन सा जानदार है जिसके 3 दिल हैं? जिसके क्या? 3 दिल हैं। 3 दिल हैं? जानदार सुनाओगे? पोइम। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. जी, क्या रेसिपी? सबसे पहले चिकन लें, उसको वॉश करें और उसके अंदर हाँ प्याज फ्राई करें। प्याज फ्राई करके तो उसमें डालें आप जिंजर काट के। जिंजर काट के जब वो फ्राई हो जाए उसमें आप नमक मिर्च डाल दें। नमक मिर्च जब हल्का सा हो जाए तो उसमें चिकन डाल दें। चिकन डालने के बाद ज़्यादा सारे टमाटर डालें आप और उसको पकने दें और अच्छी सी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लेंगे। थैंक यू जी, बहुत अच्छी रेसिपी बताई, बड़ा मज़ा आया जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, जाना पड़ेगा, क्या करें भाई, टाइम ख़त्म हो जाता है, लोग इतने वेट कर रहे हैं, भागो, इन्होंने कहना हमारी बारी क्यों नहीं आई। हाय अल्लाह, मैं क्या करूँ, जिस जनरेशन में जितने लोग आते हैं उतने तो मैं ले आती हूँ, अब मैं बाकियों का क्या कर सकती हूँ। खैर, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ, बहुत सारा टैलेंट देखने को मिला। स्पेसिफिक तो मुझे नहीं लगता आज का कोई टैलेंट ऑफ द डे था, लेकिन 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 लाहौरियों क्या हो गया है, जल्दी आओ, टैलेंट दिखाओ और ख़ुद को मनवाओ ताकि मैं मेंशन कर सकूं भाई ये टैलेंट ऑफ द डे था। चलें, कोई ख़ास मुझे नहीं लगता आज का था। हाँ, वो एक आंटी थी, उन्होंने नात सुनाई थी बड़ी प्यारी माशाल्लाह, तो वो जो है वो टैलेंट ऑफ द डे थी। दो सवाल, एक बंदे ने डॉगी को गोली मारी मगर टाइगर मर गया, क्यों? क्योंकि डॉगी का नाम टाइगर था। दूसरा सवाल आपका कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे अमीर से अमीर आदमी हाथ में प्याला लेके खड़ा होता है या बैठता है, तो वो है गोलगप्पे वाले के पास। गोलगप्पा तो प्याले में खाओगे ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। फेवरेट प्रोग्राम थर्सडे टू संडे शाम को 7 बजे देखें। मुझे अपनी होस्ट अलीना हारून को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।